Hey everyone, once again welcome back in our channel KMYM. So friends, हर बार की भांति इस बार भी JEE में कुछ चेंजेज होने जा रहे हैं। हर साल JEE का एग्जाम होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेज होते ही हैं, और इस बार भी NTA ने JEE मेंस 2020 के लिए कुछ बड़े चेंजेज किए हैं। वो चेंजेज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो JEE मेंस 2020 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेज है, उसके बाद डिटेल्ड जो चेंजेज हुए हैं वो मैं बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूं कि 2019 तक पेपर का पैटर्न कैसा रहता था। तो पेपर का पैटर्न देखते थे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते थे, 90 क्वेश्चंस रहते थे, 30 फ्रॉम ईच पीसीएम से, द फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30, मैथ्स से 30, ये रहते थे। और टोटल मार्क्स कितने रहते थे, 360, ये जानते हैं। और मार्किंग स्कीम रहता था कि +4 करेक्ट के लिए और -1 रॉन्ग के लिए। लेकिन 2020 से देखिए ये क्या चेंजेज आ गए हैं, न्यू पैटर्न फ्रॉम 2020। जो नोटिस रिलीज किया गया है NTA के द्वारा, उसके अनुसार अब 75 क्वेश्चन ही रहेंगे, जिसमें फिजिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से 25 और मैथ्स से भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ, उस 25 में भी 20 क्वेश्चन ही MCQ रहेंगे और 5 क्वेश्चन फ्रेंड न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, आपने सही सुना, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। जैसा क्वेश्चंस JEE एडवांस में पिछले 2 साल से पूछा जा रहा था, वैसा पैटर्न JEE मेंस ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन एक अच्छी बात है कि वो जो 25 में से 5 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मीन्स अगर आप सही देते हैं तो +4 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत देते हैं या क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा, मीन्स निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसी तरह देखिए, 75 क्वेश्चन है तो इस बार टोटल मार्क्स 300 हो गया है, मीन्स 360 से घटकर 300 टोटल मार्क्स ही रह गया है। और मार्किंग स्कीम का बात करें तो वही सेम है, +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। वो सिर्फ 60 क्वेश्चन के लिए ही, क्योंकि 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में ही MCQ रहेंगे और 15 क्वेश्चन 5-5-5 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप रहेंगे, जिसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। ये तो ब्रीफ में हो गया। मैं अब आपको डिटेल्ड नोटिस दिखा देता हूँ जो नोटिस NTA ने अपने वेबसाइट पर रिलीज किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एग्जामिनेशन पैटर्न देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, आप भी जाके PDF में डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक नोटिस JEE मेंस 2019 के बारे में, और वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए क्या रहेगा पैटर्न, फिजिक्स के लिए क्या रहेगा और केमिस्ट्री के लिए क्या रहेगा। टोटल मार्क्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह मार्किंग स्कीम यहाँ पे MCQs के लिए देख सकते हैं, जो 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से रहेंगे उसके लिए देखिए +4 रहेगा करेक्ट आंसर के लिए, -1 रहेगा इनकरेक्ट के लिए। इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मार्किंग स्कीम देख सकते हैं, करेक्ट के लिए +4 रहेगा और इनकरेक्ट और जो आंसर आप नहीं दीजिएगा उसके लिए 0 रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मार्किंग स्कीम है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। इसमें और सब बहुत सारे चीज़ें हैं, उसको आप देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। और हाँ, इस बार 3 पेपर होंगे, जैसे पहले 2 पेपर ही होते थे, पेपर 1 एंड पेपर 2, इस बार होंगे पेपर 3 भी होंगे। मीन्स एक BTEC के लिए होगा, एक BArch के लिए होगा और एक BPlanning के लिए होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल KMYM चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।